सो हाय गाइस, अगर हम कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो कम्पिटेटिव एग्जाम में सभी का में एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। तो उस कैलकुलेशन की आपकी फास्ट करने के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम आपकी फास्ट कैलकुलेशन एक प्रॉपर सीरीज लाएंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन में गारंटी देता हूँ फास्ट अपने आप हो जाएगी। तो आज की सीरीज में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट इन विद इन 5 सेकंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने दो नंबर लिखे हैं, दैट इज योर 15625 एंड द अनदर वन इज योर 21952। तो इसका कैसे क्यूब रूट निकालें, देखो ध्यान से, इसका आंसर है दैट इज योर 25 एंड द इसका आंसर है दैट इज योर 28। जिस प्रकार मैंने इसको विद इन 3-4 सेकंड्स में इसको सॉल्व किया, मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो के एंड तक आप भी इतना सब कुछ सीख चुके होंगे और आप इसका आंसर विद इन 5 सेकंड्स देंगे। तो चलिए अब हम ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो बोर्ड पर मैंने 6 नंबर्स लिए हैं, ये 6 के 6 पार्ट्स हम अभी विद इन 5 सेकंड्स में निकालेंगे। उससे पहले आप ट्रिक को समझ लीजिए, फिर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा क्या है ट्रिक, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 होगा, याद रखना उसका यूनिट प्लेस पे भी क्यूब रूट में क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का 1। अनदर वन 4 अगर होगा तो 4 का भी 4 ही रहेगा क्यूब रूट का यूनिट प्लेस। अगर 5 होगा तो 5 का 5 ही रहेगा। 6 होगा तो 6 का 6 ही रहेगा। 9 होगा तो 9 का 9 ही रहेगा। होप सो इतना क्लियर होगा। मतलब कि अगर यूनिट प्लेस पे अगर आपका लास्ट नंबर 1 है किसी भी नंबर का, तो आपने बेझिझक आंख बंद करके उधर 1 लिख के आना है एक नंबर। 4 के बाद अगर 4 होगा तो 4 लिखना है, 5 होगा तो 5 लिखना है, 6 होगा तो 6 लिखना है, 9 होगा तो 9 लिखना है। अब बात करते हैं जो बाकी नंबर बच गए, वो भी बिल्कुल सिंपल है। अगर तो एंड में 2 है तो 2 की जगह आप लिखोगे, 2 को आपने 10 बनाना है, तो 2 में कितने ऐड ऑन करूं मैं, 8 ऐड ऑन करूंगा। और कौन सा नंबर बच गया, जैसे 3 बच गया, 3 की जगह क्या यूज करेंगे सर, 3 को भी 10 बनाइए, आपका क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। मतलब कि ये जो दो नंबर हैं इनमें आपने क्या करना है, 10 बनाना, और बाकी सब नंबर सेम ही रहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या रहेगा, 2 को 8, 8 की जगह 2 भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंजेबली भी आप यूज कर सकते हो। अगर 8 होगा 8 की जगह आपने 2, 7 होगा 7 की जगह 3। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था। सेकंड स्टेप ये जो मैंने साइड पे लिखे हैं फर्स्ट लेकर 10 तक आपके क्यूब रूट्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्या है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस सिंपली 10 तक ही याद रखना है, क्योंकि मुझे भी 10 तक ही आते हैं ये मैं बता दूं। तो ये 10 तक याद कर लीजिए, बाकी खत्म। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हमने इसमें निकालना है। ये रहा आपका आज का फर्स्ट नंबर, दैट इज 110592। आपने पहले क्या करना है, इन 3 नंबर्स को पकड़ना है। ये 3 नंबर पकड़ लीजिए, इन 3 नंबर में लास्ट नंबर क्या है सर, 2 है। तो मैंने अभी क्या बताया, अगर 2 होगा तो 2 के क्या आएगा, 8 आएगा, तो इधर हम 8 लिख देते हैं। और जो बाकी 3 नंबर बच गए, दैट इज 110 110, आपने देखना है किसके उस 110 किसके बाद आएगा। तो देखिए 110 कहां पे आएगा गाइस, इधर आएगा 110, इन दोनों के बीच में लाया करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला नंबर ले लो, दैट 4, ये किसका क्यूब है, 48। खत्म कहानी गाइस, ये है था। अब सेकंड देखिए ध्यान से क्या होगा, फिर से ये 3 पार्ट पकड़िए, क्या है इधर 8, अगर सर इधर 8 है तो हमने क्या लगाना है, सर इधर 2 लगाना है, क्लियर है। आगे इधर 74 लिखा है, 74 कहां पे लाई करेगा सर, 74 भी इधर ही लाई करेगा 64 से पहले, 64 के बाद, तो इधर इधर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो ये किसका क्यूब रूट है, 42 का है। आगे बात करते हैं 614 125 125। गाइस अगर एंड में 5 होता है तो एंड में 5 हो तो 5 की जगह हम 5 ही लिखते हैं। इधर बच गया 614 614, कहां पे लाए करेगा सर, 614 इधर लाए करेगा, तो इसके ऊपर वाला ले लो, दैट इज 512, तो 5 इधर हम ले लेंगे। अनदर वन, अनदर की हम बात करते हैं 9111, तो एंड में क्या है गाइस, इधर 1 है, तो अगर 1 होता है तो 1 की जगह हम 1 ही लिखते हैं, तो इधर हम लिख देंगे गाइस 1। ऊपर अगर हम देखें 357 357 कहां पे लाए करेगा गाइस, इधर लाए करेगा, तो इसके ऊपर वाला कौन सा आ रहा है सर, 7 आ रहा है, तो 71 इज द राइट वन। क्लियर है गाइस। देखिए फिफ्थ वन 185 193, अगर एंड में 3 है, अगर एंड में 3 है तो इधर हम क्या लिखेंगे गाइस, 7 लिखेंगे। 185 185 कहां पे लाया करेगा सर, इधर लाया करेगा, तो इधर हम क्या लिख देंगे गाइस, 57 लिख देंगे। लास्ट वन 299 299, देखिए एंड में क्या है गाइस, 9 है, तो 9 के एंड में 9 ही चाहिए होता है। इधर है 970 970, कहां पे लाया करेगा गाइस, इधर लाया करेगा, तो 9 लिख देते हैं, तो ये 99 का है। होप सो क्लियर होगा, विद इन 5 सेकंड मैंने हर एक पार्ट निकाला है।
मेरे हिसाब से मुझे तो 5 सेकंड से भी कम टाइम लगा होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको और भी कम टाइम लगेगा। तो गाइज ये थे 6 पार्ट जो मैंने देखे, अब आपके लिए होमवर्क पोर्शन रहा। तो गाइज ये रहा आप सबके लिए होमवर्क पोर्शन, आप देख सकते हो 3 पार्ट मैंने आपको दिए, 1756167786889125। ये 3 पार्ट आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताने कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका क्या क्यूब रूट रहेगा। होप सो आप सबको ट्रिक अच्छी लगी होगी, अगर गाइज ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज मिलेंगे जल्द अपनी नई ट्रिक के साथ।